योग के विषय में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं योग शिरोमणि श्री डॉक्टर गोपाल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही में योग साधिका और इन्हीं की शिष्य दिव्या अग्रवाल भी हमारे साथ हैं, जो बहुत ही शानदार एडवांस पोस्चर्स करती हैं। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। योग भारत की एक प्राचीन धरोहर है, मगर इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इस थीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर थीम ये चुना गया है इस बार का, क्योंकि वास्तव में योग दोनों के लिए है, सेल्फ के लिए भी और सोसाइटी के लिए। सबसे पहले सेल्फ, और सेल्फ से बनती है सोसाइटी, हम सबसे मिलकर एक सोसाइटी बनती है। तो योग का समावेश जब सेल्फ में होगा तो एक अच्छा स्वस्थ समाज निर्मित होगा। बिल्कुल। तो योग के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम सही मायने में योग को समझें तो योग का उद्देश्य है अपने को अपने से जोड़ना। जी बिल्कुल। अर्थात शरीर, मन और आत्मा का समन्वय, इसी को मिलके योग कहा जाए। जी। और ये योग व्यक्ति विशेष को करना होता है, क्योंकि योग एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल स्वयं को स्वयं से जोड़ना सिखाता है, बल्कि जब तक हम इसको करके नहीं देखेंगे तब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। और जब हम स्वयं की अनुभूति करते हैं तो फिर वो उससे एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होता है। जी, हमने अभी सुना भक्ति, राज, ज्ञान, बहुत सारे मार्ग हैं योग के। तो क्या क्या अंतर है, और कोई भी मार्ग ले सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, योग की अनेकों विधाएं हैं, क्योंकि योग हमारी एक ऐसी धरोहर है जो कि ऋषि परंपरा से निकला। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने ढंग को योग को आगे बढ़ाया। यदि हम देखें योग वासिष्ठ, तो जब भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ, उन्होंने भगवान राम को एक योग की शिक्षा दी जो वासिष्ठ योग कहलाया। महर्षि पतंजलि ने शिक्षा दी, वो अष्टांग योग कहलाया। हाँ, घेरंड ऋषि ने शिक्षा दी, वो घेरंड योग कहलाया। तो ये जो ऋषि परंपरा से जो योग निकला, ये अनेकों, इसकी ये कहना चाहिए कि इसकी इतनी धाराएं हैं, और वो सभी धारा कोई भी आप चाहें उसको अपना सकते हैं। जी गोपाल जी, हाल ही के वर्षों में हम देख रहे हैं कि विश्व में बहुत प्रसिद्धि हो रही है योग की, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि योग को मात्र एक शारीरिक व्यायाम के रूप में लिया जाता है। हम चाहेंगे कि आप जरा योग के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में बात करें हमसे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। दरअसल योग को हमने बहुत आधुनिक समय में इसको कई बार संकीर्ण कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि योग केवल 2-4 आसन करने से या केवल शरीर को ठीक रखने मात्र का साधन, ऐसा नहीं है। जैसा कि शुरू में हमने कहा, और जो इस वर्ष का थीम भी है योग फॉर सेल्फ, तो योग फॉर सेल्फ का मतलब है कि हमको अपने शरीर को, उसके साथ साथ अपने मन को और अपनी आत्मा को जोड़ना है। तभी हम एक, जिसको हम सही मायने में कहेंगे कि वेलनेस का भी यही कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। सही मायने में देखें तो आजकल हमने वेलनेस को खाली एक फिजिकल कंपोनेंट के साथ केवल जोड़ दिया है, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही संकीर्ण सोच है। जी। योग को हमें जोड़ना है अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ, और जब तक वो नहीं जुड़ेगा तब तक वो पूरी तरह से हम योग में समाहित नहीं होते। एक और बात जो मैं आज ये कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, कि जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, कोई भी क्रिया या कोई भी, हम किसी भी एक ट्रेडिशन को योग के अपनाते हैं, आप देखेंगे प्रत्येक ट्रेडिशन में तीनों का समावेश समाहित है किसी ना किसी रूप में। उदाहरण के लिए यदि हम आसन भी कर रहे हैं, कोई भी आसन एक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे खाली आसन फिजिकल नहीं होता है, आसन के अंदर हमारे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिर सुखम आसनम, जी तीन शब्द, यानी स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सुख आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, तभी वो आसन बनेगा। और उसके अंदर तब होगा जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा तीनों इन्वॉल्व होंगे। तो प्रत्येक एक एक आसन, एक एक क्रिया योग की
इसके अंदर तीनों का समावेश है और इसी चीज़ को हमको समझना होगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हमको योग का अभ्यास करना होगा। जी, यम नियम के बाद आसन ही आता है और आपने आसन की बात करी है तो हमारे साथ दिव्या अग्रवाल भी हैं जो एक एडवांस प्रैक्टिशनर है और काफ़ी समय से आपसे उन्होंने योग की शिक्षा भी ली है। तो दिव्या हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगी जो एडवांस पोस्चर्स करती हैं। दिव्या, तो कब से आपकी डिसाइपल हैं और क्या करके दिखाएंगी आज? ये तो बहुत समय से योग कर रही हैं, स्कूल में छठी कक्षा से और उसके बाद में फिर ये स्कूल गेम्स में चैंपियन रही हैं। उसके बाद में कॉलेज के अंदर भी इन्होंने योग का बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज में और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये चैंपियन रही। फिर राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं में भी ये गई हैं, तो बचपन से ही ये योग का अभ्यास कर रही हैं। जी, और जी। आज हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि दोनों तरह के हम कुछ आसन दिव्या ये दिखाएं, कुछ वो आसन जो उनके ये उपयोगी हैं और कुछ एडवांस, क्योंकि आजकल बहुत ही योग को एक खेल के रूप में भी शामिल योगासन को कर लिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा एक हमारे भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि हमारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में योगासन भी जुड़ गया है। जी। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, राष्ट्रीय खेल, इन सब के अंदर। तो दिव्या, पहले तो आप पद्मासन का एक अभ्यास करके दिखाएं, क्योंकि ये हमारे आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको कमल आसन भी कहते हैं और इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य, आप जैसे देख रहे हैं, एक टांग को एक जगह के ऊपर और दूसरी टांग को दूसरी जगह के ऊपर रखने के पश्चात मेरुदंड को सीधा कर ज्ञान मुद्रा में हम इस प्रकार से बैठ जाते हैं। और ये जो आसन है अपने आप में परिपूर्ण है, सभी इसके लोअर और अपर लिम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो हमारे टांगों के लोअर लिम्स के तीनों जोड़, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, पेल्विक जॉइंट और उसके साथ साथ मेरुदंड को हम सीधा रखते हैं, कमर को सीधा रखते हैं। अनेकों लाभ इस आसन के हैं और आसनों का राजा इसको कहा गया है। जी डॉक्टर साहब, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं या क्रियाएं करते हैं वो भी पद्मासन में ही बैठ जी के करी बिल्कुल जाती है। ध्यान, प्राणायाम और श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाएं, पूजा पाठ, ये भी हम पद्मासन में बैठकर करते हैं। जी, इसी के साथ में एक बहुत ही सरल आसन वज्रासन, क्योंकि घुटनों के बल बैठना बहुत आवश्यक है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चे हमारे, विशेष रूप से आने वाली जो जनरेशन है, वो घुटनों के बल बैठना भूल गई है, जिसके कारण हमारे सबसे बड़ा असर अभी से चाइल्डहुड से ही घुटनों के ऊपर आ रहा है। और अभी हम देखें, एक साइंटिफिक सर्वे हुआ कि घुटनों की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और यंग एज से, तो उसके लिए इस प्रकार से बैठना, नीलिंग पोज या वज्रासन पर बैठना बहुत अच्छा होता है। और ये एक ऐसा आसन है कि जिसको हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जी, तो एकमात्र आसन जो हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं और घुटनों के लिए काफी अच्छा है और इसमें स्पाइन भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट रहती है। बिल्कुल 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 जी। तो इसमें ये देखिए कि एक आसन करने के कितने लाभ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो सरल आसन है, हम कभी भी खाना खाने के बाद कहीं भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों के लिए तो बैठना बहुत सरल है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस आसन पर और कभी भी बैठ सकता है, अर्थात भोजन के बाद भी, उससे पहले भी, कभी भी हम ये आसन। जी जी जी, तो और कौन से आसन? अब इसके बाद में कुछ मैं चाहूँगा कि सीधा लेटकर आप दिव्या कुछ सरल आसन बताएं। पवन मुक्तासन बहुत ही उपयोगी है और ये आजकल की इतनी ज़्यादा समस्या पेट की बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, और जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त, यानी वायु संबंधी जितने विकार हैं उनको ये आसन ठीक करता है। दोनों घुटनों को मोड़कर, दोनों हाथों से पेट की ओर दबाकर और गर्दन को धीरे धीरे उठाते हुए, नाक को बीच में लाते हुए और पंजों को खींच के रखते हुए इस अवस्था में आप कुछ समय के लिए रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जितने हमारे वायु विकार हैं, कब्जी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्राइटिस है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है आसन। पूरे जीआई ट्रैक्ट के लिए काफी जी, अच्छा जी, बिल्कुल, आसन बिल्कुल है। छोड़ दीजिए, और इसी के साथ पेट को शक्तिमान बनाने के लिए उत्तानपाद आसन बहुत उपयोगी है। दोनों इस प्रकार लेटकर सीधे उत्तानपाद आसन, पांव को ऊपर की ओर उठाते हैं जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट और यहाँ पर रोकते हैं, तो इससे आप देखते हैं हमारे एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो बड़े मजबूत बन जाते हैं जी, और ये हमारे पाचन क्रिया के लिए बड़ा उपयोगी है। जी जी जी,
छोड़ दीजिए। इसी के साथ उल्टा लेटकर हम देखें, पेट के बल लेटकर, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने अभी देखा बहुत ही सुंदर वीडियो भुजंगासन जो उन्होंने किया, और उसी भुजंग आसन को हम थोड़ा सा और एडवांस, क्योंकि दिव्या एडवांस आसन भी करती हैं, तो हम पूर्ण भुजंग आसन, ये आप देखेंगे किस प्रकार से सहज व्यक्ति तो सहज रूप से भुजंग आसन कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण भुजंग आसन अर्थात पूरा आप देखेंगे तो पाँव को मोड़कर और सर की तरफ लगा दिया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि कितनी ये जो हमारी स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बहुत दिव्या ने वर्षों की मेहनत करी है तब जाके वो ये आसन कर रही हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस की ये सब आसन आप ना करें, क्योंकि ये एक एडवांस पोस्चर है। मेक श्योर ऑल दीज आसनाज आर परफॉर्म्ड अंडर एन एक्सपर्ट गाइडेंस, जैसे कि गोपाल जी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल सही, क्योंकि जितने भी हमारे जो एडवांस पोस्चर ये आप दिव्या दिखा रही हैं तो आप इनको बिल्कुल जब तक प्रॉपर गाइडेंस ना हो अपने आप नहीं करें, क्योंकि कई बार इसमें एक्सीडेंट का खतरा रहता है। जी, तो जी। इसी कड़ी के अंदर कुछ दिव्या आपको और एडवांस आसन दिखाएंगी, आप बैठ जाएं। और सबसे पहले अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये बहुत ही पॉपुलर आसन है और इसके ऊपर काफी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। जी जी, डायबिटीज आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और भारत देश के अंदर दिल्ली को तो हम डायबिटिक सिटी कहने लगे और इंडिया डायबिटिक कंट्री के रूप में जो डेवलप हो रहा है वो योग का देश ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक पाँव को मोड़कर और आप स्पाइनल ट्विस्ट जिसको हम कहते हैं कि एक घुटने के बाहर से एक हाथ को निकाला जाता है, दूसरे हाथ को साइड में रखा जाता है और स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए गर्दन को मोड़ते हुए इस प्रकार बैठ कर ये अभ्यास किया जाता है। जी जी, तो पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, ट्विस्टिंग आती है, जिसके लिए डायबिटीज के लिए काफी अच्छा है। जी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पेंक्रियाज एक्टिव हो जाती हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर का जो लेवल है वो जब एक्टिव होती है तो जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है वो उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। जी, तो ये बहुत ही, और इसके ऊपर काफी वैज्ञानिक रिसर्च एम्स में हुई है, क्योंकि मैं उससे एसोसिएट भी रहा हूँ, तो देखा गया है कि इस प्रकार के कुछ आसन जैसे धनुरासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी। कुछ एडवांस आसन दिव्या, अगर आप इसी आसन को यदि हम पूर्ण मत्स्येंद्र आसन के रूप में आप एक बार दिखाएं दिव्या, ये बहुत एडवांस आसन। जी जी जी, क्योंकि ये तो आधा किया था लेकिन अब पूर्ण जो पद्मासन के साथ, तो पद्मासन के साथ लगाते हुए और किस प्रकार से इस घुटने को मोड़ते हुए अब आप देखेंगे, ये बहुत कठिन है। बिल्कुल, मेरुदंड की तो इसमें अच्छे से खिंचाई हो जाती है। जी 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 जी, बहुत सुंदर, छोड़ दीजिए दिव्या। और भी बहुत से एडवांस पोस्चर्स करती हैं दिव्या, हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे एक दो अगर और एडवांस पोस्चर्स। जी जी, व्याघ्र आसन दिव्या आप कर सकें, ये भी बहुत ही कठिन है लेकिन इसके अंदर शरीर का संतुलन बहुत आवश्यक है। जी, इस प्रकार से देख रहे हैं आप कोहनियों के बल हम शरीर की अवस्था बनाते हैं, तो काफी स्ट्रेंथ चाहिए इसको करने के लिए। आपकी अगर एल्बो, शोल्डर्स, कोर, एवरीथिंग इज एंगेज्ड और अभी भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है स्थिर सुखम आसन की, कि चेहरे पे प्रसन्नता के भाव हैं और कितनी स्थिरता है इनके आसन में। इट्स अ वेरी टफ पोस्चर टू होल्ड, मगर दिव्या बखूबी इस पोस्चर को कर रही है। छोड़ दीजिए, जैसा कि आपने देखा कि शरीर का संतुलन भी और साथ साथ बॉडी बैलेंस के साथ साथ इतना कठिन है इसका अभ्यास, क्योंकि नियमित अभ्यास के ये सीखा जा सकता है। खड़े होकर भी हम चाहेंगे कि एक आसन आप गरुड़ आसन जरूर दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर आसन है हमारे न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की। जी, जो उसकी बहुत आवश्यक, सबको जरूरत है, जो सबको जरूरत है। तो गरुड़ आसन आप करके दिखाइए, एक पाँव को खड़ा होकर दूसरे पाँव को उसको लपेट लिया जाता है दूसरे पाँव में, और दोनों हाथों को मुड़कर कोहनियों को भी आपस में लपेटकर इस प्रकार से हाथ जोड़कर शरीर के संतुलन को बरकरार रखते हुए ये गरुड़ आसन का अभ्यास किया जाता है।
कितना सुंदर ये पोस्चर है, और जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत ही शानदार ये पोस्चर है, आपको बैलेंस करता है, योग का मतलब ही बैलेंस है, तो आपके जीवन में बैलेंस भी लेके आता है ये पोस्चर। छोड़ दीजिए, एक और आसन जो कि बहुत ही उपयोगी है, वृक्षासन। ये भी शरीर के संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी आसन है। गोपाल जी, एक और चीज हम देख रहे हैं, जितने भी आसनों के नाम हैं सब कहीं ना कहीं नेचर से इंस्पायर्ड हैं, चाहे वो वृक्षासन है, गरुड़ आसन है, भुजंग आसन है, तो आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के नाम पे आसन रखे गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा वेरोनिका जी। छोड़ दीजिए दिव्या और आप बैठ जाइए। आसन जो हमारा नामकरण जो हुआ ऋषियों ने किया, वो आप देखेंगे कि हमारे जीव जंतु योनियां या नेचर उनसे लिए गए नाम। जैसे मछली है तो मत्स्य आसन जी, बिल्कुल। मगरमच्छ है तो मकर आसन, मोर है तो मयूर आसन जी, खग है तो खग आसन, खग आसन जी, ताड़ है तो ताड़ आसन जी। तो इस प्रकार प्रकृति और जीव जंतुओं के नामों पर इन आसनों के नाम रखे गए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन आसनों का वही लाभ उनके नाम के अनुरूप मिलता है। जैसा कि अगर मोर का क्या, एक मोर जो है ऐसा पक्षी है जो तमाम तरह के कीटाणु विषैले वो खा जाता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है जी। तो यानी मोर यानी मयूर आसन जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जी। ये एक प्रकृति से सीखने वाली बात है और योग के बारे में जानने वाली बात है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही हैं वही योग है। तो कहते हैं ना कि योगा इज नॉट जस्ट व्हाट वी डू ऑन द मैट, हमारे जीवन जीने का तरीका ही योग है, जीवन शैली ही योग है। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपना समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, और दिव्या आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्या बहुत अच्छी टीचर भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, योग साधक भी हैं, और काफ़ी वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज इतने सुंदर आसन कर रही है। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू यू दिव्या।